नमस्कार। कबीर वाणी के इस आज के एपिसोड में मैं प्रशांत नानकर हमारे चैनल स्टोरी शायरी पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कुछ बहुत ही बढ़िया कबीर जी के 5 दोहे हम लेने वाले हैं और उसमें से पहला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत बढ़िया ये दोहा। उसका अर्थ यह है कि हमारी जो निंदा करता है, हमारे जो निंदक है, उन्हें हमें अधिक अधिक अपने इर्द गिर्द में रखना चाहिए। और उसका कारण कबीर जी बोलते हैं कि ये जो निंदक होते हैं वो आपकी इतनी कमियां निकालेंगे कि बिन पानी और बिन साबुन के भी आपका जो स्वभाव है, आपके जो दोष हैं, वो साफ हो जाएंगे। अगर निंदक आप आजू बाजू में नहीं रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप में खामियां क्या हैं। अगला जो दोहा कबीर जी का है वो है, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इसका अर्थ यह है कि ये मनुष्य जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म में जब हमें ये जो देह मिलता है, मानव देह जो मिलता है, ये भी हमें हर बार नहीं मिल सकता। और ये उसी तरह से होता है जैसा एक पेड़ जब सूख जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसे दोबारा पत्ते, आप कितना भी उसको सींचो, कितना भी पानी डालो, एक बार सूखने के बाद उसको दोबारा पत्ते नहीं आते हैं। अगला जो कबीर जी का दोहा है वो है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कोई जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू जो है वो राम भक्त हैं, वो राम को मानते हैं, और उसी तरह जो तुर्क हैं या जो मुस्लिम है, उस ज़माने में उसको तुर्की बोलते हैं, तो मुस्लिम जो है वो रहमान को मानते हैं, वो रहमान उनको प्यारा लगता है, और इसी बात पर दोनों लड़ते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन आखिर तक उनको ये नहीं समझ पाता है कि सच क्या है, हम झगड़े किस लिए हैं, ये उनको कभी भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ये जो 400-500 साल पहले लिखी हुई जो पंक्तियां हैं वो शायद आज भी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसको पूरी तरह से लागू होता है। कबीर जी का ये अगला दोहा है, कहत सुनत सब दिन गए उर्जि न सुरझा मन, कहत सुनत सब दिन गए उर्जि न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं अज हूँ सो पहला दिन। इस दोहे का जो अर्थ है वो इस तरह से है कि कहते सुनते सब दिन निकल गए पर ये मन उलझ कर सुलझ नहीं पाया। कहे तो सुनत सब दिन गए उर्जि न सुरझा मन, और आगे कबीर जी कहते हैं कि कही कबीर चेत्या नहीं अज हूँ सो पहला दिन, अब भी ये मन होश में नहीं आता है, आज भी इसकी अवस्था उसी तरह से है जैसे वो पहले दिन थी। कही कबीर चेत्या नहीं अज हूँ सो पहला दिन। अगला जो कबीर जी का दोहा है वो है, कबीर लहरी संबंध की मोती बिखरे आई, कबीर लहरी संबंध की मोती बिखरे आई, बगुला भेदन जानिए हंसा चुनी चुनी खाई। कबीर जी को ये कहना है इस दोहे में कि समुद्र के जो लहरें हैं उसके साथ में मोती आकर बिखर गए, लेकिन एक बगुला जो होता है वो एक पत्थर का और मोती का भेद नहीं जान पाता, लेकिन हंस जो है वो चुन चुन कर वो मोती जो है वो खा लेता है। तो इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु है, उसका जो महत्व है, उसका जो मोल है, वो एक जानकार ही समझ सकता है। आपको ये जो 5 दोहे आज हमने सुना है, इसका ये आपको कैसे लगे, इसका अर्थ कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताइए, और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं प्रशांत नानकर आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।